हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 8 टू 9 इयर्स बेबी गर्ल के लिए डिजाइनर पार्टीवेयर फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है। इसके लिए मेन फैब्रिक यहाँ पे मैंने लिया है, ये 2 मीटर का फैब्रिक है। लाइनिंग भी यहाँ पे मैंने 2 मीटर लिया है। तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। तो पहले हम टप्पट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक जो है मेन फैब्रिक इसी मैंने उल्टा रखा है और डबल फोल्ड में है फैब्रिक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमें जितना टॉप पार्ट रेडी रखना है उतनी यहाँ पे मार्किंग करेंगे, प्लस उसमें हमें जितनी भी मार्जिन लेनी है उसकी मार्किंग। तो यहाँ पे मैं 12 इंच पर मार्क कर लूंगी, 12.5 इंच पर, ताकि कहीं से भी फैब्रिक अगर क्रॉस है तो वो तिरछापन निकल जाए। मार्किंग करके यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मार्किंग कर लिए यहाँ पे मैंने 12.5 इंच पर। अब एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे, जो भी मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग। इस पार्ट को हमने कट कर लिया है और फैब्रिक अभी डबल फोल्ड में है। ये जो साइड है बंद वाली साइड है, सामने ओपन वाली साइड है। अब फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड में कर लेना है। आपके बेबी की जो भी चेस्ट है उसे डिवाइडेड बाय 4 करके प्लस इसमें 2 इंच आपको मार्जिन लेते हुए इस फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कर लेना है। देखिए अच्छे से सेट कर लीजिए फैब्रिक को, कहीं पे भी फैब्रिक अगर कम ज्यादा है तो वहां से इसे तिरछापन इसका निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मार्किंग कर ली है। बन वाले पार्ट पर बन वाली साइड से हमें सबसे पहले शोल्डर के लिए मार्क करना है। तो शोल्डर यहाँ पे मैं 6 इंच पर मार्क करूंगी। आपका जो भी शोल्डर है उसे डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए। शोल्डर यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में 12 इंचेस है। आर्महोल के लिए यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 5.5 इंचेस से 6 इंचेस तक मार्क कर लूंगी। तो रेडी होगा ये 5.5 इंचेस। ऊपर की साइड से शोल्डर जो है हमारा शोल्डर साइड में बंद हो जाएगा 1/2 इंच। अब देखिए यहाँ पे लेना है चेस्ट का मेजरमेंट, तो 7.5 इंच पर मैं मार्क कर लूंगी। आपकी बेबी का जो भी चेस्ट है उसे डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए। 7.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। देखिए लेंथ मेजर करेंगे तो 12 इंच पर मार्क कर लेंगे। देखिए ऐसे यहाँ से फैब्रिक जो है पूरा तिरछा है फैब्रिक, इसलिए हमने यहाँ पे फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था। अब देखिए 12 इंच पर मार्क करेंगे, टॉप पार्ट बनेगा हमारा 11 इंच का 9 इयर्स बेबी गर्ल के लिए। 10 इयर्स तक भी आप 11 इंच का टॉप पार्ट ले लीजिए। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे कट कर देंगे साइड से। यहाँ पे लेंगे वेस्ट का मेजरमेंट, आपकी बेबी की जो भी वेस्ट है उसे डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए। तो 7 इंच पर मैं मार्क कर लूंगी। इन दोनों पॉइंट्स को हमें कनेक्ट कर लेना है अच्छे से। देखिए यहाँ पे कनेक्ट कर लिया इन दोनों पॉइंट्स को। 1.5 इंच की मार्जिन ले लेंगे, पूरे पार्ट में 1.5 इंच की आपको मार्जिन लेते जाना है। देखिए यहाँ पे मैं 1.5 इंच मार्जिन ले रही हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हो। फ्रंट आर्महोल के लिए 1 इंच पर, बैक आर्महोल के लिए 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। स्केल की हेल्प से यहाँ पे आर्महोल का शेप जो है ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया फ्रंट आर्महोल का। अब बैक आर्महोल का शेप जो है हमें ड्रॉ कर लेना है। तो स्केल को आपको सिर्फ इसे एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे। देखिए ये हो गया शेप बैक वाले आर्महोल का। अब यहाँ पे नेक का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पे नेक की चौड़ाई में 3 इंचेस ले रही हूँ। यहाँ पे बेबी जिसके लिए भी बना रही हूँ वो हेल्दी लड़की है। अगर आपकी हेल्दी दुबली है या स्लिम है तो आपको यहाँ पे नेक की चौड़ाई जो है वो कम लेनी है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं 3.5 इंच पर मार्क कर लूंगी और यहाँ पे बॉक्स बना लूंगी। ये बॉक्स रेडी हो गया। यहाँ पे राउंड शेप जो है ड्रॉ कर लेना है। देखिए शेप स्केल से ही हमें राउंड शेप जो है ड्रॉ कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे शेप ड्रॉ हो चुका है, ये फ्रंट वाला हो गया। 1/2 इंच शोल्डर साइड डाउन करेंगे और यहां से लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। अब एज इट इज इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे बैक नेक आप डिप कम रख सकते हो, यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक दोनों नेक जो है सेम रखूंगी। सबसे पहले हमें बैक आर्महोल की कटिंग कर लेनी है, दोनों पार्ट को सेपरेट कर लेना है और फ्रंट आर्महोल की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है और साथ ही साथ लाइनिंग की भी यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी हमारा बचा हुआ फैब्रिक है टॉप पार्ट की कटिंग हो जाने के बाद, इसे मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड में रखा है। आप देख सकते हो ये जो है सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है फैब्रिक की और फैब्रिक डबल फोल्ड में है। अब फैब्रिक का कोई भी एक कोना उठाएंगे हम और इसे ट्रायंगुलर शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे फैब्रिक को घुमा के ट्रायंगुलर शेप में कर लिया है। ट्रायंगल शेप में रखा है, ये जो साइड है बंद वाली साइड है और ये जो साइड है ये ओपन वाली साइड है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बैक वाला पार्ट लिया है अस्तर का और साइड से इसे 1/2 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ पे 1/2 इंच पर मार्क कर लीजिए। अब इस पार्ट को बंद वाली साइड रखना है, बंद वाली साइड रखेंगे और देखिए ऐसे आपको फिट कर लेना है कि ये जो 1/2 इंच है फैब्रिक वो बाहर चला जाए मार्जिन के लिए। और यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे इस पार्ट को रखते हुए। मार्किंग यहाँ पे कर ली है हमने।
हमें क्या करना है, इन स्टेप लेना है और इस वाले कोने में रखना है, और जो ओपन वाली साइड है ओपन वाली साइड से मेजर लेना है। तो यहाँ पे 10 इंच पर मार्क आ रहा है हमारा, लगभग 10 इंच पर। अब देखिए इन स्टेप को वैसे ही रखना है और पूरे फैब्रिक में जो कॉर्नर वाला पार्ट है यहाँ पे उसे 10 इंच पर मार्क कर लेना है। परफेक्टली 10 इंच पर मार्क करेंगे। तो 10 इंच का दूसरा मार्क देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा। अब ये जो पॉइंट्स है हमें इसे कनेक्ट कर लेना है, इन पॉइंट्स को। ये मार्किंग हो जाने के बाद वेस्ट लाइन की हमें क्या करना है, फ्रॉक की टोटल लेंथ देखनी है। तो फ्रॉक हमें लगभग 33 इंच की रेडी रखनी है। इसमें से हमारा 11 इंच जो है टॉप पार्ट तैयार हो जाएगा। तो 11 इंच ये जो है इन स्टेप यहाँ पे रखना है, 11 इंच पर मार्क। और वही से हमें यहाँ पे कितना लेना है देखिए, 33 इंच हमें रेडी रखना है देखिए। तो यहाँ पे मैं 34 इंच पर मार्क कर लूंगी। मार्क कितना किया है मैंने, 34 इंच पर। ज्यादा दिन बेबी पहन सके इसके लिए फ्रॉक नी से थोड़ा सा, जो हमारा नी लेंथ है उससे थोड़ी सी नीचे रहेगी ताकि जल्दी शॉर्ट ना हो जाए। तो देखिए 34 इंच पर मैं मार्क कर लूंगी पूरे फैब्रिक से। 11 इंच ऊपर टेप रखेंगे और 34 इंच पर मार्क कर लेंगे। इससे आपके फ्रॉक की लेंथ जो है परफेक्टली आ जाएगी। ऐसे पूरे फैब्रिक में मार्क कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मार्किंग जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो बॉटम वाली मार्किंग और वेस्ट लाइन की मार्किंग। अब एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रॉक की जो है पूरी कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो बॉटम पार्ट का अस्तर है वो जो हमारा बॉटम है उससे हमें 1 से 1.5 इंच कम रखना है। जैसे कि यहाँ पे हमने 33 की फ्रॉक हमें रेडी कर लेनी है लगभग, तो जो बॉटम पार्ट का अस्तर रहेगा वो लगभग हमारा 32 इंच का रहेगा। तो एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे। हम बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बैक वाला पार्ट लिया है और ये जो है मेन फैब्रिक की सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। अब मेन फैब्रिक के सीधी साइड के ऊपर हमें अस्तर का पार्ट ऐसे रख लेना है अच्छे से। देखिए अस्तर का पार्ट अच्छे से रख लीजिए और पूरा जो पार्ट है हमें पिन से सिक्योर कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट जो है हमने पिन से सिक्योर कर लिए हैं, आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है देखिए, ये जो नेक का पार्ट है वहाँ पे स्टिच कर लेना है। ये लाइनिंग का पार्ट स्टिच करेंगे, आर्मोल पार्ट जो है दोनों उसे स्टिच करेंगे। वैसे ही जो फ्रंट वाला पार्ट है उसका नेक और दोनों आर्मोल साइड स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने टॉप पार्ट लिया था उसका जो नेक है और आर्मोल साइड दोनों स्टिच कर लिए है। और यहाँ पे देखिए हल्के हल्के नॉचेस भी लगा लिए हैं मैंने, आर्मोल साइड में भी हमें नॉचेस लगा लेने हैं। अब इस फैब्रिक को हम सीधी साइड टर्न करेंगे। देखिए अच्छे से इसे सीधी साइड टर्न कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे फैब्रिक सीधी साइड टर्न कर लिया है। अब नेक पार्ट के ऊपर टॉप स्टिचेस लगा लेने हैं, आर्मोल पार्ट के ऊपर टॉप स्टिचेस लगा लेने हैं। यहाँ पे टॉप स्टिचेस जो है लगा लिए हैं नेक पार्ट और आर्मोल साइड में। और देखिए साइड से ये जो फैब्रिक है उसे भी सिक्योर कर लिया है। अब जो बैक वाला पार्ट है वहाँ पे हम जिप अटैच करेंगे। तो उसका सेंटर कर लिया है, देखिए अच्छे से सेंटर कर लिया है और मार्किंग कर ली है। अब देखिए जिप लगाने के लिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिप ली है। स्ट्रिप लगाने के लिए यहाँ पे फैब्रिक जो है मैंने रेडी कर लिया है। देखिए चारों साइड से फैब्रिक को स्टिच कर लिया है, जिप जो है मैचिंग ले ली है और जो स्ट्रिप है हमारे उसका सेंटर भी कर लिया है चारों साइड से। जिसकी ओपन साइड है उसे सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे इस फैब्रिक को हमें स्टिच कर लेना है बैक पार्ट के ऊपर। बैक पार्ट का जो फैब्रिक है वो सीधा रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने अस्तर के ऊपर आपको मार्किंग करके दिखाया है ताकि वो अच्छे से दिख जाए। लेकिन जो नीचे वाला टॉप पार्ट है वो सीधी साइड से आपको ये स्ट्रिप लगा लेनी है। मेन फैब्रिक के ऊपर स्ट्रिप लगाएंगे, उसके बाद सेंटर से स्टिच करेंगे, साइड से स्टिच कर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रिप है हमने सीधी साइड से अटैच करते हुए यहाँ से ये पार्ट ओपन कर लिया है और देखिए यहाँ पे नॉचेस भी लगा लिए हैं। अब ये जो स्ट्रिप है हमें अंदर की साइड फोल्ड कर लेनी है अच्छे से, दोनों साइड से अंदर के साइड इसे टर्न कर लेंगे पूरा। देखिए स्ट्रिप अंदर की साइड टर्न कर लिए है। अब यहाँ से इसे स्टिच कर लेना है, टॉप स्टिचेस लगा लेने हैं। उसके बाद ये जो जिप है वो हमें इसे अटैच कर लेनी है। देखिए जिप जो है दोनों साइड से हमें ऐसे अटैच कर लेनी है। एक जो पार्ट रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, देखिए एक पार्ट फेस टू फेस रहेगा और एक पार्ट जो है हमें थोड़ा सा जिप के ऊपर लेना है ऐसे, ताकि ये पूरी तरह से लॉक हो जाए अच्छे से। ऐसे इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बैक वाला पार्ट है उसमें हमने जिप जो है अटैच कर ली है बहुत ही फिनिशिंग के साथ, आप देख सकते हो।
अब हमें क्या करना है, इसमें बॉटम पार्ट अटैच कर लेना है। तो बॉटम पार्ट का मेन फैब्रिक ले लीजिए, देखिए यहाँ पे इस पार्ट का सेंटर कर लिया है, मार्क कर लिया है। अब जो मेन फैब्रिक है उसका भी मैंने यहाँ पे सेंटर कर लिया है और मार्किंग कर ली है चॉक की हेल्प से। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यह हो गया मार्किंग हमारा। अब हमें टॉप पार्ट के ऊपर ऐसे इस फैब्रिक को रखना है, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पूरा जो बॉटम पार्ट है वेस्ट लाइन में अटैच कर लेना है। देखिए वेस्ट लाइन में अटैच करेंगे सीधा इसे। बॉटम पार्ट का मेन फैब्रिक जो है हमने अटैच कर लिया है। अब हमें अस्तर का पार्ट अटैच कर लेना है। तो देखिए अस्तर का पार्ट ले लिया है, इसका भी यहाँ पे सेंटर कर लिया है, अस्तर का पार्ट और ये जो टॉप पार्ट है उसका सेंटर से सेंटर मैच कर लीजिए। और ये जो है टॉप पार्ट की ऊपर वाली साइड रखेंगे ऐसे और स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ये फैब्रिक हमें सीधी साइड टर्न कर लेना है ऐसे। अब अस्तर का पार्ट मैंने अटैच कर लिया है, अब इसे सीधी साइड करेंगे, देखिए ऐसे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ चुकी है, आप देख सकते हो। ऐसे ही दूसरा पार्ट हमें रेडी कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों भी रेडी है, पार्ट जो है रेडी है। अब दोनों मेन फैब्रिक आमने सामने रखेंगे, देखिए दोनों मेन फैब्रिक जो है आमने सामने रखेंगे और शोल्डर अटैच करेंगे ऐसे। शोल्डर का जो पार्ट है यहाँ पे अटैच कर लेंगे हाफ इंच का डिफरेंस देते हुए। फ्रेंड्स यहाँ पे शोल्डर अटैच कर लिए हमने और देखिए बेल्ट जो है बना लिए है फ्रॉक के लिए। अब हमें क्या करना है, ये जो बैक वाला पार्ट है, देखिए बैक वाले पार्ट को साइड में करेंगे सबसे पहले, और ये जो बेल्ट है वो हमें ऐसे यहाँ पे फिक्स कर लेने हैं। दूसरा जो बेल्ट है वो दूसरी साइड फिक्स कर लेंगे ऐसे। सबसे पहले इसे स्टिच कर लेंगे, दोनों बेल्ट स्टिच कर लेंगे। बेल्ट अटैच करने के बाद साइड से हमने जो भी मार्जिन रखी थी 1.5 इंच पर वहां से मार्किंग कर लेंगे और फिटिंग करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉक को। देखिए वहां 1.5 इंच की मार्जिन लेते हुए साइड से भी यहां से हमें इसे फिटिंग कर लेनी है बॉटम साइड सब। उसके बाद जो अस्तर वाला पार्ट है सिंपली ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है, स्टिच कर लेना है। जो बॉटम है मेन फैब्रिक उसे भी जितना भी मार्जिन लिया है 1.5 इंच 2 इंच इसे उतना इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। आप चाहे तो इसमें पीको भी कर सकते हो। ऐसा ही पूरा बॉटम पार्ट हमें रेडी कर लेना है। इसी के साथ रेडी है ब्यूटीफुल डिजाइनर 9 इयर्स बेबी गर्ल फ्रॉक। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो कमेंट्स कर जरूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।